देखिए, नवरात्र का त्योहार और टेलीविजन की बहुएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ना लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मानना पड़ेगा टीवी पर हर त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, और जब बात हो नारी शक्ति की आराधना की, तो हमारी टेलीविजन की बहुओं में तो शक्ति और माँ का स्वरूप मानो कूट कूट कर भरा है। पर कभी कभी भूल जाती है, ये बात और है। तो चलिए आपको दिखाते हैं बहुएं किस तरह कर रही हैं नव दुर्गा का आवाहन। नवरात्रि की शुरुआत आज से हो चुकी है, यानी कि माता रानी का आगमन हो चुका है। ऐसे में 9 दिन उनके भक्त उनकी पूजा अर्चना करेंगे ताकि माता रानी प्रसन्न हो जाएं। तो ऐसे में भला टीवी की बहुएं कैसे पीछे रहती। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं परिणीति के सेट पर, जहां परी, नीति और राजवी ने माता की आरती उतारी। नमस्कार, मैं हूं आंचल साहू और मैं हूं अंकुर वर्मा। और नवरात्रि के ऑस्पिशियस ओकेशन पर हम करने वाले हैं दुर्गा माँ की आरती। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू जॉइन अस। हमारी नवरात्रि की पूजा हमने बहुत प्यार से माँ दुर्गा की पूजा की, और आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। माँ दुर्गा आपके सारे सारे दुख हर ले और सिर्फ खुशियाँ ले। हमने बहुत ही प्यार से और बहुत ही खूबसूरती से आज पूजा की है दुर्गा माँ की, और सेट पे किए तो हमारा सेट भी पॉजिटिविटी से और भर गया है। तो बहुत ही मैं अपनी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगी नवरात्रि की। सब लोग खूब खुश रहें, फूले फले। और हाँ, अगर आप गुजरात में हैं, मुंबई में हैं, तो खूब गरबा कीजिए, डांडिया कीजिए, मस्ती कीजिए, नए नए वस्त्र पहन के जाइए रोज़ रोज़, और नए नए पंडालों में जाइए। और अगर आप नॉर्थ साइड में हैं तो रामलीला देखिए और मूँगफलियाँ खाइए, बहुत मज़ा आता है। तो 9 दिन जो नवरात्रि के होते हैं बहुत फेस्टिव होते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं, एंड आई होप आप सब की लाइफ में बहुत ढेरों खुशियाँ आएँ। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। वही नीरजा भला कैसे पीछे रहती, क्योंकि कोलकाता में तो दुर्गा पूजा बड़े ही जोरों शोर से मनाया जाता है। मैं हूँ आस्था शर्मा और आमिनी रजा, और आप सबको नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज हम SBS के साथ कर रहे हैं नवरात्रि की पूजा, तो आइए पूजा शुरू करते हैं।
यहाँ शिमला में भी काफ़ी धूमधाम से नवरात्रि मनाई जाती है। हमारे यहाँ मेला लगता है नवरात्रि के टाइम, तो हम मेरे घर के ऊपर कालीबाड़ी मंदिर है, तो हम लोग वहाँ पर जाते थे अक्सर, और वहीं पर हर रोज़ जाना और प्रसाद बांटना सबको। यहाँ पर कुछ अलग है, डांडिया खेलते हैं सब, हमारे वहाँ डांडिया नहीं खेलते, तो इस पर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। डांडिया देखने के लिए मौका मिला तो खेलूँगी भी ज़रूर, तो देखते अब क्या होता है। जहाँ निर्जा माता रानी के गुणगान कर रही है, वहीं भला ऐसे काशवी कैसे पीछे रहती, क्योंकि काशवी की भी चाहते माता रानी से बहुत ही ज्यादा है। आई रिमेम्बर हम लोग नवरात्रि में, एक तो मेरे हिमाचल में एक चीज़ होती है जहाँ पे लोग माता रखते हैं घर पे, और सुबह सुबह हम सब छोटी छोटी टोकरियाँ लेके फूल चुनते थे, और फिर वो फूल ला करके माता के चरणों में चढ़ाते थे, और अलग अलग वो छोटी छोटी बुक्स आती हैं भगवान की, माता की, वो पढ़ते थे और भजन गाते थे, ये मुझे याद है। और एक याद ये है कि रामलीला होती थी उस टाइम पे, तो हम लोग सब लोग बहुत मज़े से रामलीला देखने जाते थे, और मतलब मैं डर भी जाती थी बीच बीच में, क्योंकि उस पर राक्षस आते थे, लेकिन मैं फिर भी जाती थी। माता रानी का आशीर्वाद भला कौन नहीं लेना चाहता, क्योंकि माता रानी ऐसी हैं कि भक्त की बातें अनकही को केवल वही समझती हैं। इसलिए देखिए कैसे वंदना भी दुर्गा माँ की वंदना कर रही है। तो माता रानी की पूजा हो चुकी है, और मैंने माता रानी से बस इतना ही मांगा है कि सबको खुश रखे और हमें ढेर सारा प्यार दे। जोर से बोलो जय माता दी। और पंड्या स्टोर की नताशा भी माता की भक्ति में लीन नजर आई। हेलो एवरीवन, जय माता दी। जैसे कि आपको पता है कि नवरात्रि चालू हो चुकी है, और हमने भी यहाँ पे माता की पूजा चालू कर दी है। मुझे लगता है कि आपको ज्वाइन करना चाहिए। ऑफ कोर्स हर साल मैं अपनी नवरात्रि सेलिब्रेट करती थी दिल्ली में, और आज मुझे मौका मिला है एबीपी न्यूज़ के साथ नवरात्रि सेलिब्रेट करने का। तो आपने देख ही लिया होगा मेरी पूजा तो संपन्न हो चुकी है, अब आप करेंगे ना। जोर से बोलो जय माता दी। वहीं पुष्पा भी किसी से पीछे नहीं है माता की भक्ति में। हमारे घर में भी जो नवदुर्गा की पूजा होती है, हर दिन व्रत रखा जाता है, चाहे अष्टमी हो सप्तमी हो, उसमें उद्यापन किया जाता है, तो बहुत सारा ही तो बचपन से देखते आए हैं, पूजा पाठ वाले घर से तो हैं ही हम लोग।
मैं करुणा पांडे पुष्पा की भूमिका निभाती हूँ पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल में, और आज आप सब लोगों से मैं बात कर रही हूँ एबीपी न्यूज़ के ज़रिए, और हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की ओर से, आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं हमारे पुष्पा का परिवार बहुत बड़ा है, तो सबकी ओर से आप सबको नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएँ। आप माता का स्मरण करें, माता को अपने अंदर धारें, क्योंकि सिर्फ मानने से नहीं होता, उनके जो गुण हैं जो वो सिखाते हैं उनको अपने जीवन में धारना भी पड़ता है, तो अब वो सब कीजिए और शक्ति लाइए अपने अंदर और खुश रहिए और एंजॉय द लाइफ। माता रानी का आशीर्वाद बहुओं ने तो ले लिया, अब इनकी जिंदगी में आने वाली सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी और उन्हें शक्ति भी मिलेगी ताकि अपने दुश्मनों का सामना कर सकें। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लीजिए, नवरात्र के पहले दिन गृह प्रवेश हो रहा है, भाग्य लक्ष्मी में लक्ष्मी और ऋषि का यानी माँ का आशीर्वाद तो इनको पक्का मिल जाएगा। चाहे दुनिया जो है वो दुश्मन बनी रहे, लेकिन जिसको है माँ का आशीर्वाद प्राप्त, उसे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। एंड गेस व्हाट, ऐसा नहीं है कि सभी लोग इनके दुश्मन है। अब शालू, आयुष और बानी भी तो पहुंचे हैं इनका वेलकम करने। जब किसी का सपना पूरा होता है तो उसके लिए ही पूरा जहान बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। आज ऋषि और लक्ष्मी का सपना भी पूरा हुआ है, एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का। शादी के बंधन में तो ये बंध गए हैं, और अब शादी के बाद ऋषि और लक्ष्मी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, जिसके लिए पहल ऋषि ने की है। शादी करके जब नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल आती है तो उसका गृह प्रवेश उसकी सासू माँ करती है या फिर ननद करती है। अब लक्ष्मी का तो फिलहाल कोई है नहीं इस रिश्ते में, तो देखिए ऋषि ने ही तैयारी की है लक्ष्मी के गृह प्रवेश की। अब यहाँ पर शालू, आयुष भी हैं, दादी भी हैं, मामी जी भी हैं। तो हम तो बहुत खुश हैं, हम डांस कर रहे हैं। सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है, पूरे ऑडियंस की ख्वाहिश पूरी हुई है। बानी, आयुष, सब लोग की ख्वाहिश पूरी हुई है। वीरेंद्र सर जो हम कैरेक्टर्स प्ले करते हैं वो सब इतने खुश हैं, और एज अ ऑन पर्सनल लेवल ऑल्सो हम इतने खुश हैं क्योंकि पूरा शो भाग्यलक्ष्मी का रश्मि के प्यार के ऊपर है, और फाइनली 2 साल के बाद ऋषि और लक्ष्मी की शादी हो रही है और हो गई है। ऋषि ने लक्ष्मी के लिए इतनी सारी तैयारियां कर रखी है, ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा होगा और ना ही देखा होगा ऋषि का ये वाला रूप। अब चौखट पर दोनों खड़े हैं, और इसी के साथ ही कलश गिराकर लक्ष्मी ने अपना गृह प्रवेश किया। कुमकुम की थाल पर घर की लक्ष्मी ने अपने कदम रखे। अब इनके इस नए जीवन में और खूबसूरत सी दुनिया को किसी की नजर ना लगे, ऐसा टीवी की दुनिया में नहीं होता है। सब कुछ अच्छा अच्छा हो तो भला टीवी की दुनिया में उसे शुभ नहीं माना जाता है, इसीलिए तो लक्ष्मी और ऋषि के साथ अब एक धोखा होने वाला है, और वो धोखा कोई और नहीं बल्कि मलिष्का देने वाली है। अब क्या सारा हम ही बता देंगे, आगे आगे देखिए ना, अभी एपिसोड्स में बहुत कुछ आना बाकी है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ओहो,
आइए ना, आपको बहुत ही मजेदार बात बतानी है। जी हाँ, आपके साथ माँ को भी टेलीविजन की चुगलियां जो सुनानी है। लो भाई, मैं आ गई। और आज चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। अब ये तो आप जानते हैं कि कैसे कश्मकश में है अनुपमा और वनराज, क्योंकि उनके खुद के बच्चे उनका साथ नहीं दे रहे अपने ही भाई को इंसाफ दिलाने के लिए। अब वनराज और अनुपमा ने ठान ली है कि वो अपने बेटे को इंसाफ दिला कर रहेंगे, लेकिन सुरेश राठौर काफी चालाक निकला। आज उसने वनराज को फंसा लिया है अपने झांसे में और वीडियो बनाकर वो उसे अब फंसा देगा। कैसे, तो आप भी देखिए। सुरेश राठौर की पूरी जिंदगी, उसके पूरी दुनिया को मैं चला के राख कर दूंगा। जय श्री कृष्णा। देखिए, आपने मेरे बेटे को जेल भेज दिया, आपका बेटा वापस आ गया? नहीं आया ना, नहीं, केस वापस ले लीजिएगा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि, जहाँ अपने बेटे के लिए अक्षरा उठाने जा रही है बहुत ही बड़ा कदम। अब ये सीरियल की दुनिया है और अक्षरा की इस हरकत के बारे में अभिमन्यु को पता ना चले ऐसा तो हो नहीं सकता। अभिमन्यु को इस बारे में पता चल जाएगा। अब अभिमन्यु तो पहुंच जाएगा अक्षरा के पास सही समय पर, उसको समझाने के लिए कि वो जो करने जा रही है वो कितना गलत है। अब अक्षरा गलती करने जा रही थी और अभिमन्यु का काम है कि वो अपना फर्ज निभाए और अक्षरा को सही राह दिखाए। और कुछ ऐसा ही होगा सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में। मैम, आपने ऑडिशन का फॉर्म भर दिया ना? वी आर रेडी अक्षरा, चलिए मेरे साथ। जूनियर का ख्याल रखना, मैं आ रहा। कहां? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मुझसे झूठ बोल के यहां तुम? अगली चुगली लाई हूँ सीरियल इमली की, जहाँ अगस्त्य के सामने आ गई है बहुत ही बड़ी चुनौती, क्योंकि उसके घर वालों ने कर लिया है एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उसके पास खुद नहीं है। अब इमली के बारे में अगस्त्य ने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर वो किस तरह की लड़की है, और जब घर वालों ने उससे उसके बारे में पूछा तो वो एकदम शांत रह गया। कोई भी लड़की चौधरी परिवार की बहू नहीं बन सकती। तुम्हारी दुल्हन का खानदान, घर परिवार, हमका सब जानना है, तभी वो कई परिवार में जगह मिलेगी। वो एक पागल है, इसके अलावा तो मैं खुद उसके बारे में कुछ नहीं जानता। वैसे आखिर इमली है कहाँ? चुगली लाई हूँ सीरियल तेरी मेरी डोरियां की, जहाँ अंगद जेल में है और उसकी माँ पहुँच गई है उससे मिलने अपनी हमदर्दी जताने के लिए, लेकिन वो शायद भूल गई है कि ये सब जो कुछ भी हुआ है ये उनकी वजह से ही हुआ है। तभी तो अंगद की नाराजगी यहाँ साफ दिखाई दी। ये जरूर चाहता कि वो तेरी जिंदगी से निकल जाए, लेकिन ये कभी नहीं चाहता कि वो इस दुनिया से निकल जाए। साहिबा, इस दुनिया से नहीं गई है, मरी नहीं है, वो जिंदा है। वही अंगद ने आज बातों ही बातों में ये तक कह दिया कि उन्होंने जो सीरत और उसकी शादी की बात कही थी ये बहुत ही घटिया बात थी, जिस पर सीरत को बुरा भी लगता है। तुम्हें बेल मिलना मुश्किल लग रहा है अंगद। अगर मुझे बेल नहीं मिली तो मैं साहिबा को कैसे ढूंढूंगा? मुझे बहुत डर लग रहा है, पता है अगर तेरी बेल नहीं हुई तो क्या होगा? मेरा जो भी होना होगा ना, होने दो, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से, आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से, मुझे आप दोनों से कोई बात नहीं करनी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तितली की, जहाँ गर्व नहीं चाहता कि अब तितली उसके साथ रहे। उसने अपना डिसीजन बना लिया है
कि वो लाइफ में आगे बढ़ जाएगा और तितली से कोई वास्ता नहीं रखेगा। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ होगा नवरात्रि तक, क्योंकि अब घर की बहू नवरात्रि के समय घर से बाहर जाए ये घर वालों को मंजूर नहीं है। तभी तो गर्व को ये फैसला लेना पड़ा कि वो तितली को सिर्फ तब तक रहने देगा घर में जब तक नवरात्रि है। अब तितली कैसे कोशिश करती है घर में रहने के लिए, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। यही सच है, इस बात को जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लो भाई मैं तो चली, क्योंकि इतना पैसा मैं इतना ही मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए अब जरा गरबा और डांडिया का आनंद लिया जाए। क्या है ना कि करण माही और मानवी जो है इन दिनों अपने कंटेंट में नजर आ रहे हैं जिसका नाम है हाफ लव एंड हाफ अरेंज। लेकिन चिंता मत कीजिए, जब बारी आएगी डांडिया खेलने की तो ये पूरा पूरा डांडिया खेलेंगे, नॉट हाफ हाफ। आ चुकी है और ऐसे में डांडिया ना खेला तो क्या खेला। तभी तो देखिए आज मौका भी है और दस्तूर भी, क्योंकि आज हमारे साथ करण वाही और मानवी गगरू जो हैं, वैसे ये तो अपनी सीरीज हाफ लव हाफ अरेंज्ड को प्रमोट कर रही हैं, लेकिन प्रमोशंस के बीच में भी तो डांडिया खेला जा सकता है। बस फिर क्या, SBS ओरिजिनल्स ने ये मौका ले लिया और खिलाया इन दोनों से जमकर डांडिया। मुझे बिल्कुल खेलना नहीं आता, मेरे हैं गुज्जू दोस्त थोड़े बहुत जो बहुत ही मतलब एंथुजियास्टिकली खेलते हैं। हैप्पी नवरात्रि एंड बहुत हैप्पी दुर्गा पूजो, हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी दशहरा। अब तो मतलब एक के बाद एक फेस्टिवल्स हैं, बट फिलहाल दिवाली भी आने वाली है। यस फिर मतलब, लेकिन अभी ये हैं तो नवरात्रि में डांडिया खेले, उसके बाद नवरात्रि के बाद वो एक दिन आता है ना जब अष्टमी में सब प्रसाद प्रसाद मिलता है। हाँ, कंजक। ओ, कंजक। ओ, हो, 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 कंजक आएगी, कंजक में हलवा पूड़ी खाएंगे। चलो यस, मैं सिर्फ कंजक के लिए वेट करता हूँ। हम ना छोटे थे ना तो हमें बड़ा डांटा जाता था कि लड़कियाँ जाती हैं तुम थोड़ी जाओगे, तो हम हलवे पूड़ी और गिफ्ट्स पैसे भी तो मिलते जो पैसे वैसे मैं बोलना नहीं चाहता था नहीं कि मैं कितना चीप हूँ, बट आई थिंक अब फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है एंड आई एम श्योर एवरी वीक देर विल बी समथिंग न्यू। आई थिंक गणेश चतुर्थी के बाद यही होता है हमारे देश में। अब हम दिसंबर तक, जब तक न्यू ईयर नहीं आ जाता हम सांस नहीं लेंगे। होली तक चलता है एक्चुअली, जनवरी में भी होता है। अब नाच गाना मस्ती मजाक और खूब सारी पोल खोल के बाद इनसे हमने जाना कि आखिर नवरात्रि के रंग में रंगने के बाद व्यूअर्स इनके रंग में कैसे रंगेंगे, क्योंकि ये कहानी काफी अलग जो है। तो हाफ लव हाफ अरेंज्ड एक बहुत ही प्यारी कहानी है अबाउट जैसा हम आज के ज़माने में मैं पकड़ जैसे आज के ज़माने में शादियां हो रही है या जैसा हमारी जनरेशन के लोग शादी करना चाहते हैं, विच इज़ कि आप प्यार करो, आप पार्टनर आप खुद चूज़ करो और प्यार से यू नो ऑन द बेसिस ऑफ लव, लेकिन आपकी फैमिली भी उतनी ही एक्साइटेड है उस रिश्ते को लेके एंड दे आर ऑल्सो ऑन बोर्ड, तो वो अरेंज भी हो जाती है। तो आई थिंक उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता, इट्स एन आइडियल सिचुएशन फॉर मैरिज। हमने यूजली अरेंज मैरिज जो एक थॉट है उस कॉन्सेप्ट को इतना ज़्यादा ऐसा कर दिया ना कि मैं तो अरेंज मैरिज
नहीं करना चाहता हूँ. सो आई थिंक एक बहुत ही लाइट हार्टेड वे में अरेंज मैरिज सेटअप की जो फंडे हैं उनको दिखाया गया है. लव मैरिज की यू नो गुड थिंग्स बैड थिंग्स दिखाए गए हैं और अरेंज मैरिज के भी गुड थिंग्स बैड थिंग्स दिखाए गए हैं. वहीं करण के फैंस भी जानना चाहते हैं कि आखिर वो किस तरह की शादी करना चाहेंगे. वहीं आज करण ने इस पर से भी पर्दा खोला. मैंने आज सब अपने दोस्तों को भेजा कि मैंने कहा मैंने शादी तो कर नहीं पाए तो मैंने पूरा का पूरा शो ही कर लिया उस पर. बट वही देख लो. आई थिंक आई होप कि लव हो जाए और माँ बाप उसे अरेंज कर दें तो हाफ हाफ हो जाएगा. अब मानवी की तो हाल ही में शादी हुई है तो हमने भी उनसे जानने की कोशिश की कि उनकी शादी भी क्या हाफ लव हाफ अरेंज थी. तो सुनिए उन्होंने क्या बताया. हम मतलब हाफ लव हाफ अरेंज ही बोल सकते हैं इन द सेंस दैट पहले प्यार हुआ और फिर दोनों के पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी कि हमारी अपने बच्चों की चॉइस से तो फिर वो भी खुश. जब शादी की बात आई तो उनको भी इन्वॉल्व कर लिया गया तो तब अरेंज हो गया. नहीं पर मैं तो आई यूज टू कॉल मैं तो लव मैरिज ही बोलती थी क्योंकि तब तक मेरी लाइफ में कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ लव हाफ अरेंज नहीं आया था. बट अब आ गया है एंड आपकी लाइफ में भी आ गया है. सो प्लीज़ वॉच हाफ लव हाफ अरेंज ऑन अमेज़न मिनी टीवी. वैसे इस कॉन्टेंट के साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये फन सेगमेंट भी काफी पसंद आया हो और हमारे तरफ से भी आपको नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं. स्नेहिल यादव, एबीपी न्यूज, मुंबई. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. और चलिए अब आपकी मुलाकात कराते हैं उनसे जिनको तो साक्षात माँ का आशीर्वाद मिला है तभी तो ये खतरों के खिलाड़ी का खिताब अपने नाम कर चुके हैं. हम बात कर रहे हैं डीनो जेम्स की और इनसे मुलाकात करना तो बनता है. मैंने लिखा था कि रोहित सर सब देख रहे हैं वो करते नहीं है भेदभाव को. शाना अगर बने तो कहते छोटे देख रहा हूँ स्टंट मेरा एम काशिश छेद को मैं भेद पाऊँ बैच सबसे ऊपर बैठे के फाइनली खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 को मिल गया है उसका विनर. और ये खिताब किसी और ने नहीं बल्कि पॉपुलर रैपर डीनो जेम्स ने किया अपने नाम. लेकिन इस ट्रॉफी को जीतने के साथ साथ इन्होंने जीता है सभी का दिल और खास जगह बनाई सभी कंटेस्टेंट्स के साथ. हम लोग कभी बोर नहीं हुए. हम लोगों ने हमारे बीच में कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई. हमारे बीच में कभी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ. हमने और आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग अब यू नो आई एम नॉट सपोज टू से दिस इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कुछ हुआ ही नहीं ऐसा. तो हम लोग सिर्फ चिल करते थे. हम लोग वहाँ पर जाकर किसी किसी की बिचिंग और टांग खींचते थे. सड़ में कौन क्या कर रहा है मसाला ढूंढते थे. खाना खाते थे बहुत सारा. बहुत खाते थे क्योंकि ऑफ डाइट थे वो भी था. अगर आप में से कोई भी केप टाउन जाना चाहता है ना और किसी रेस्टोरेंट या किसी स्ट्रीट के बारे में पूछना चाहता है ये लोकल गाइड्स केप टाउन में चप्पा चप्पा पता है क्यों. क्योंकि उसका रीजन ये था कि मैं शाम को पार्टी करता था और सुबह दिन भर सोता था. इन लोग बहुत बात करते थे. सोता था स्टंट कब कर रहा था तू भी तो सोता नहीं था ना. लेकिन वहीं आज जब बहुत दिनों बाद डीनो की मुलाकात हुई अपने खास दोस्त और रनर अप अर्जित तनेजा से तो देखिए कैसे इन्होंने हमारे साथ खोले कई राज और की ढेर सारी मस्ती. मतलब कर रहा है तू नेक्स्ट ना मुनीमू से निकल गया. 50 बार पूछ चुके हैं कर रहा है बिग बॉस कर रहा है तू लगता है ये बिग बॉस कर रहा है ऐसा पता नहीं बिग बॉस सारी पोल तो अभी खुली है ना. देखो तुम लोग बायोकॉम के ऑफिस में हो ऊपर जाके पूछ लो कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है. लेकिन यार इसने मुझे जो हराया है 10 फ्लैग उठा बट मैं पहले भी मैंने इसको हराया वो उसमें जो मजा आया हमको. अब चलिए हमारे विनर से जानते हैं कि आखिर ट्रॉफी जीतने की खुशी कैसी थी और क्या उन्होंने इस पर कोई रैप सोचा था. मैंने लिखा था कि रोहित सर सब देख रहे हैं वो करते नहीं है भेदभाव को. शाना अगर बने तो कहते छोटे देख रहा हूँ स्टंट मेरा एम काशिश छेद को मैं भेद पाऊँ बैच सबसे ऊपर बैठे के ये बहुत अच्छी जर्नी थी. आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको आप कितने भी पैसे अगर आप खर्च करोगे उसके बाद भी आपको ये सब करने नहीं मिलेगा. सो आई फील वेरी लकी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूज ब्रांड
एंड आई वांट इट, तो मुझे बहुत अनरियल सा लगता है कभी कभी, कैसे कैसे हो गया सब चीज़। उन सबका नेचर बहुत अलग अलग है, उन लोगों ने डिज़ाइन ही ऐसा किया हुआ है कि अब कोई भी स्टंट रिपीट नहीं होता और सेम नहीं होते, तो सबका नेचर अलग है, शॉक का अलग है, क्रीपी कॉलीज आते हैं उससे अलग, आपको डर लगता है, काटते वटते रहते हैं, हाइट अलग लेकर जाता है आपको, सब कुछ अलग है आपको, स्नो गैस है जो आपने देखा, तो बहुत ही डायनामिक और बहुत ही वेल थॉट डिज़ाइन स्टंट्स होते हैं, तो वो साइकोलॉजिकली भी आपको तोड़ने के लिए ही डिजाइन होते हैं। वही रनर अप अर्जित ने भी अपनी खुशी को अपनी जीत बताते हुए क्या कहा, ये भी जरा सुनिए। वो जो फीलिंग थी ना टॉप थ्री में, जब आपको पता चल गया कि बस आप हो, अब आपको फिनाले स्टंट करना है, आराम करो, दैट वाज एन अमेजिंग फीलिंग, बिकॉज दो महीने के बाद आपको ये पता चलता है, दो महीने एक अलग देश में हो, ये सब कर रहे हो, रोज रो रहे हो, मर रहे हो, पिट रहे हो, स्टंट कर रहे हो, एवरीथिंग, सो जस्ट अचीविंग दैट वाज अ, मेरे लिए वही जीत थी, दैट वाज अ विनिंग मोमेंट फॉर मी एक्चुअली। अब इस सीजन को तो डीनो ने अपने नाम कर लिया है और हमारी तरफ से भी उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हार जो है हमारे टेलीविजन के कलाकार बढ़ चढ़कर मनाते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में नहीं, सीरियल्स के सेट पर भी। अब आपको लिए चलते हैं क्योंकि सास माँ और बहु बेटी है के सेट पर। यहाँ पर नविका और हिमांशु सोनी किस तरह सीरियल के सेट पर कर रहे हैं माँ की पूजा उपासना, आइए दिखाते हैं। हाय, मैं हूँ हिमांशु सोनी। और आज आप जिसे जानते हैं हमारे शो में, अम्बे माँ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और केसर के लिए उसकी मासू बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उनकी मासू ने अम्बे माँ के सामने ही ये संकल्प लिया था कि एक सास बहू माँ बन सकती है और एक बहू बेटी बन सकती है। तो आज नवरात्रि, मतलब आज से नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है, तो हम दोनों अम्बे माँ से प्रार्थना करेंगे और हम, मतलब मैं चाहूँगा एज ए कबीर कि केसर जो चाहती है वो उसे मिल जाए। आप स्वीट सरप्राइज है, क्या चाहती है वो, तो आइए हम आरती करते हैं। चलिए, हमारी आरती संपन्न हो चुकी है, कैसी रही नविका? बहुत ही अच्छी, बहुत ही डिवाइन, और बस विल की प्रेइंग टू अम्बे माँ कि वो अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखे। बेसिकली मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ और वहाँ गरबा जब मैं छोटा था तब तक तो नहीं आया था, बट उसके बाद धीरे 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 जब गुजरात और राजस्थान बॉर्डर पास पास में, तो पहले हमारी कॉलोनी में स्टार्ट हुआ, उसके बाद में गरबा स्टार्ट हुआ, बड़े बड़े जैसे कि वो सारे वेन्यू बुक करते थे और वो कपल डांस होता था, लेकिन तब हम कपल नहीं थे, सिंगल थे, तो हम सोचते थे हम जाएँ और डांडिया खेलें, और तो वो ये खेलना भी एक अलग तरीके की आर्ट है, मतलब एक अलग तरीके का डांस है गरबा जो होता है। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई से ही हूँ और यहाँ तो हमेशा से मैंने यही देखा है कि नवरात्रि मतलब 9 दिन धूमधाम, और मुझे नाचने का भी बहुत शौक है, मुझे गरबा खेलना बहुत पसंद है, तो मैं तो हर साल 9 दिन के 9 रंग पहनकर अपने दोस्तों के साथ पहुँच जाती हूँ अलग अलग वेन्यूज़ पर, और काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन वगैरह जीते हैं आज तक और बहुत मज़ा आता है। अनफॉर्चुनेटली बचपन से डांस भी कर रहे हो? हाँ, तो मुझे बहुत पसंद है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं, ये मेरा 4th साल होगा जब मैं गरबा नहीं खेल पाऊंगी फॉर डिफरेंट रीजंस, तो आई एम मिसिंग नवरात्रि अ लॉट।
मैं हूँ केसर। मैं हूँ कबीर। और क्योंकि सास माँ बहु बेटी होती है कि पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और देखिए आज का तो हमारा ये शो है ही बहुत खास और ऐसे में ये स्पेशल रिपोर्ट तो बनती है। ओटीटी पर अपना जलवा बिखेरने के बाद अब शारिब हाशमी ने भी म्यूजिक वीडियो की दुनिया में अपना पहला कदम बढ़ा चुके हैं, यानी कि शारिब हाशमी ने भी अपना डेब्यू कर लिया है म्यूजिक की दुनिया में। उनका सॉन्ग इटर्नल लव ऑलरेडी रिलीज हो चुका है जिसे दर्शकों का प्यार भी मिल रहा है। ऐसे में जब उनसे मुलाकात हुई तो उनके चेहरे पर अपने पहले म्यूजिक वीडियो की खुशी साफ नजर आई। आपका डेब्यू हुआ है म्यूजिक वीडियो में, कितना अलग अनुभव था? म्यूजिक वीडियो में फीचर होना एक अपने में एक मेरा वो था कि यार बड़ी ख्वाहिश थी और अब मैं अगला इंशाल्लाह जब म्यूजिक वीडियो आएगा उसका गाना गाऊंगा भी मैं। वैसे हम आपको बता दें कि शारिब एक अच्छे कलाकार के साथ साथ अच्छे सिंगर भी है, मतलब उन्होंने कोई ट्रेनिंग तो नहीं ली लेकिन उन्हें गाने का काफी शौक है। इसलिए उन्होंने ये भी तय किया है कि अगली बार वो अपने म्यूजिक वीडियो में फीचर होने के साथ साथ खुद वो गाना गाएंगे भी। मैं तो मतलब गाता तो मतलब ऐसे कोई ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ लेकिन हम कॉलेज में काफ़ी गाया करता था और मुझे गाना बहुत पसंद है। मतलब मेरे लिए मतलब फिल्मों एक्टिंग और म्यूज़िक जो है वो दोनों मतलब बहुत ही मैं उन सब को दोनों को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ, फिल्मों को लेकर भी और गानों को लेकर भी। मैं मतलब म्यूज़िक के साथ में पूरा दिन मैं अकेले बिता सकता हूँ। एक पड़ोसन के अंदर एक फिल्म के अंदर एक गाना था जो वैसे जब कंसीव किया गया था तो वो एक सीन था मेरे भोले बलम मेरे प्यारे बलम ओ मेरा जीवन तेरे बिना ओ मेरे पिया है वो दिया के जिसमें तेल न हो के जिसमें तेल न हो। शारिब हाशमी एक ऐसा नाम है जिसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। धीरे धीरे ही सही लेकिन ये कलाकार उभर कर जरूर दुनिया के सामने आया है। अब उम्मीद है कि आगे चलकर इनका खुद का गाया हुआ सॉन्ग जल्द रिलीज हो। मुंबई से रवि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे मेरी साड़ी कैसी लग रही है? पता है मैंने जानबूझकर ये साड़ी निकाली क्योंकि पहले दिन कहते हैं कि ऑरेंज रंग पहनना चाहिए, केसरिया रंग। तो बस मैंने सोचा कि माँ को इम्प्रेस करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। वेल टॉकिंग अबाउट द कलर्स एंड टॉकिंग अबाउट माँ दुर्गा एंड टॉकिंग अबाउट नवरात्र, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना खास मौका हो और हम नेहा आदविक महाजन से ना मुलाकात करें। और देखिए खास सास बहू और साजिश के लिए किस तरह वो टीवी की नौ बहुओं को नवरात्र के नौ दिनों में देंगी नव दुर्गा का रूप। जी हाँ, यानी कि उनका श्रृंगार होगा उस दिन के रंग के मुताबिक। तो चलिए पहली शुरुआत करते हैं उल्का गुप्ता के साथ। नवरात्रि का आगाज आज से शुरू हो चुका है और माता रानी अपने भक्तों के घरों में विराजमान हो चुकी हैं। ऐसे में हर भक्त अपनी खुशियां सेलिब्रेट करना चाहता है। आज की गेस्ट है वो आप सबने पहले ही देखा है, हमारी प्यारी उल्का।
एंड उल्का बहुत ही प्रिटी लग रही है इस ऑरेंज कलर में. आई थिंक ये कलर उसको बहुत ही सूट कर रहा है. गुप्ता का ये लुक ऐसे ही नहीं आया है, बल्कि इसके लिए नेहा ने कड़ी मेहनत की है. हम आपको झलक दिखाते हैं किस तरह से उल्का का मेकअप किया गया है. जैसे आज उल्का गुप्ता नवरात्रि के पहले दिन रमी हुई नजर आ रही हैं और करवा रही हैं अपना फोटोशूट. उल्का गुप्ता का ये अवतार आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिश नेहा अद्विक महाजन का ही जादू है, जो उल्का के लुक को और भी एनहांस कर रहा है. मैंने सोचकर ही ये कलर उल्का के लिए डिसाइड किया था, बिकॉज आई थॉट कि उनकी पर्सनालिटी पे कलर बहुत ही अच्छे से उठ कर आएगा. एंड आई थिंक वी हैव जस्टिफाइड दैट. आई थिंक यू हैव जस्टिफाइड इट नेहा, बिकॉज मैंने ऑरेंज कलर के साथ कभी इतने बोल्डली कोई फोटोशूट या कोई लुक ट्राई नहीं किया था. एंड वॉट बेटर देन कुष्मांडा देवी का लुक फॉर नवरात्रि. एंड आई फील रियली लकी एंड ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फोटोशूट. आई थिंक जो कुष्मांडा देवी हैं वो एनर्जी एंड पावर की देवी हैं. एंड ऑरेंज उनका फेवरेट कलर है बिकॉज शी इज सोर्स ऑफ लाइट, तो उनके साथ ये कलर बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करता है. एंड मैं अपने व्यूअर्स को बता दूँ, अगर आप उनको खुश करना है देवी जी को, तो आप उनको ऑरेंज कलर के डेजी फ्लावर्स भी अर्पित कर सकते हैं. That's really nice. Actually, ये कलर इन्होंने इतना ऐप सिलेक्ट किया है, इसे देखकर ही यू नो मुझे देखकर एक ज्वाला का एक इमेज आता है या सूरज का इमेज आता है. इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ वेरी ऑस्पिशियस कलर. उल्का गुप्ता का बदला बदला अवतार उन पर खूब जच रहा है. सिर से लेकर पैर तक वो पूरी तरह से परम सुंदरी लग रही हैं. ज्वेलरी की बात करें तो बहुत ही मिनिमल है और उनका ऑरेंज कलर का अटायर उन पर बिल्कुल सूट कर रहा है. अपने इस लुक को बहुत ही ग्रेसफुली कैरी करती हुई भी नजर आई. कैमरा के सामने उनकी हर एक अदाओं को हमने भी कैच किया और एक एक क्लिक मानो एक नई कहानी लिख रही हो. फोटोशूट के दौरान देखिए कैसे फॉग का भी इस्तेमाल किया गया ताकि फोटोशूट में कुछ क्रिएटिविटी लाई जाए. बात तो ये है कि नेहा के हाथों में मैजिक है और वो किसी भी स्टाइलिंग को सुपर से ऊपर तक ले जाती है. अब उल्का भी अपने इस लुक से काफी खुश नजर आ रही हैं और आए भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने नवरात्रि के पहले दिन का आगाज जो किया है. थिंक जो हम स्टाइलिंग की बात करें तो हमने बिल्कुल भी नॉर्मल साड़ी नहीं पहनाई है, हमने दो साड़ी को ड्रेप इस तरीके से किया है कि वो थोड़ा और ड्रेसी लगे और बहुत ही रॉयल लगे. सो एंड अगर हम मेकअप की बात करें तो हमने ब्राउन स्मोकी रोज गोल्ड आईज दी है विथ सम नाइस फ्लश चीक्स एंड सम न्यूड लिप्स, बिकॉज ऑलरेडी हमारा कलर इतना ब्राइट है तो हमने मेकअप को थोड़ा सा सटल रखा है. बट हमने जो स्टाइलिंग की है ज्वेलरी के साथ, बिकॉज आप जैसे सब जानते हैं कि जो देवियाँ थी हमारी उनको ज्वेलरी पहनना बहुत ही पसंद था, तो हमने उस चीज़ का पूरा ध्यान रखा है और बहुत सारी अच्छी अच्छी ज्वेलरी बनाई है उल्का को एंड जो उनके लुक को एकदम कॉम्प्लीमेंट भी कर रही है. सो उल्का क्या कहना है आपका इस पूरे लुक के बारे में? मैं यही कहूँगी, मैंने ऐसा लुक पहले कभी नहीं ट्राई किया बिकॉज इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ देवीज़ ट्रेडिशनलनेस पावर
और मतलब वो जो कल्चरली हमने हमेशा जाना है, जो रंग, जो ज्वेलरी, बट विद अ टच ऑफ टुडेज अपडेटेड ग्लैम, विच इज़ सो ऐसा लगता है कि आप कनेक्ट कर सकते हो और आप उसे अपना सकते हो विद दिस कमिंग नवरात्रि और दुर्गा पूजा एक्चुअली. एंड आई थिंक मैं एक और चीज़ को मेंशन करना चाहूँगी, जो हमारा लोकेशन है वो हमारे लुक के साथ एकदम एप्टली जा रहा है. मतलब वी आर शूटिंग एट अ ब्यूटीफुल लोकेशन जो बॉम्बे से काफ़ी दूर है, इसलिए हम बहुत मेहनत करके यहाँ पे आए हैं. हाँ, जयपुर नहीं है बट जयपुर ही जैसा है. या दिस इज कॉल्ड सेट्स इन द सिटी और ये बॉम्बे से काफ़ी दूर है, बट यहाँ पे एकदम आपको फील ऐसा लगेगा कि आप जयपुर में आ गए हैं. अपने ऑरेंज लुक से वो इतनी खुश हुई कि उल्का ने अपने लिए एक और पर्सनल फोटो शूट करवाया, जिसकी झलक आप भी देख सकते हैं. गुप्ता के इस एक्सक्लूसिव फोटोशूट को आप सभी ने जरूर पसंद किया होगा. हम आपको नवरात्रि के 9 दिन ऐसे ही अलग अलग सेलिब्रिटी के फोटोशूट दिखाएंगे, क्योंकि हमारा वादा है कि एंटरटेनमेंट जहां तक, SBS वहां तक. मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट. ABP News, आपको रखे आगे.